लाइट में इंटरफेरेंस फेनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंटेशन के लिए यंग्स एक्सपेरिमेंट है, यंग्स एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, वो आपके सामने है। ये यही है, यंग्स एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस यहाँ हो रहा है और दिखेगा जब आप बहुत माइन्यूटली माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखेंगे तो ये दिखेगा इंटरफेरेंस, और उसको हम कह देंगे इंटरफेरोमीटर। लेकिन देखने को नहीं पाओगे, यहाँ इंटरमीडिएट में कोई लैब में नहीं है, इंटरफेरोमीटर। ठीक, तो हम आपको समझाएंगे कि इंटरफेरोमीटर में कैसे हम इंटरफेरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर पर आइए, यहाँ पर S लिखा है। S मीन्स एक स्लिट, बहुत थिन स्लिट। इसमें ऊपर नीचे स्क्रूज लगे होते हैं जो स्लिट के विड्थ को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो ये स्लिट है। और यहीं पर एक सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट। तो S को सोर्स भी समझ लो, स्लिट भी समझ लो। तो ये सोर्स जो है कैसा होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक हम आपको बताएं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट में केवल एक ही वेवलेंथ होती है। जैसे लाइट में तमाम सी वेवलेंथ होती हैं, जैसे कहा जाए कि वायलेट कलर की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, तो एग्जैक्ट वन सिंगल वेवलेंथ होना वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाता है। कोई भी सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं मिला। अब जा करके लेज़र वगैरह में थोड़ा सा कुछ वर्क किए हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरेट करने के लिए, लेकिन इन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए लैब में कहीं मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं मिला। तो यहाँ मिला एक, बताएं उसे ध्यान रखना, सोडियम लैम्प। हम लोग यहाँ सोडियम लैम्प यूज़ करते हैं। और सोडियम लैम्प क्यों मोनोक्रोमेटिक है? क्योंकि इससे येलो लाइट निकलती है और उसमें केवल दो वेवलेंथ होती है। हमें सिंगल वेवलेंथ में बहुत बहुत से ज़्यादा 10, 15, 100 वेवलेंथ निकलती है, लेकिन सोडियम लाइट में 2 वेवलेंथ। जैसे मर्करी लाइट में जो है नियरली 5 वेवलेंथ होती हैं। तो सोडियम लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक। हम बता भी तो दें कि वो वेवलेंथ कितनी होती हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। तो 5, 8, 9, 0, 5, 8, 9, 6 एंगस्ट्रॉम, इतने एंगस्ट्रॉम की ये वेव्स होती हैं। ठीक है, 5, 8, 9, 0 एंगस्ट्रॉम का एक क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल कराया है पिछले लेक्चर में। तो ये दो ही वेवलेंथ हैं, 6 एंगस्ट्रॉम का इनमें डिफरेंस है, तो उसको मोनोक्रोमेटिक मान लो, मान लीजिए। तो आपने मान लिया, हम समझ गए कि आपने इसको नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट माना, और येलो रंग कलर का है, येलो रीजन में यही दो वेवलेंथ पाई जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, अब वो हम लोगों के दिमाग में रहता, कोर्स में नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे। तो ये दो इमिशन लाइन हैं येलो रीजन में, यहीं से येलो लाइट निकलेगी, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। यहाँ से चलने के बाद S1 और S2 दो स्लिट्स और मिलती हैं, थिन स्लिट। ये भी थिन स्लिट्स होती हैं बराबर डिस्टेंस पर, यानी SS1 और SS2 बराबर ही रखिए, एक्सपेरिमेंट में बराबर ही रखिए, न्यूमेरिकल में कभी कभी घटा बढ़ा देते हैं तब परेशानी होती है उस समय।
तो एस एस वन और एस एस टू बराबर बराबर रखिए। तो यहाँ से वेव जो चलती है एस वन तक और यहाँ से वेव चलती है कहाँ तक, एस टू तक, तो डिस्टेंस इक्वल चलेंगी। तो इसका मतलब एस वन एस टू इस समय सेम फेज में होंगे, जो फेज एस वन का है वही एस टू का है। वैसे भी हम जनरल फॉर्म में भी एक डेफिनेशन करते हैं कि एस वन और एस टू के बीच फेज डिफरेंस जीरो हो। एस वन और एस टू सोर्स के बीच, क्योंकि यहाँ से भी तो लाइट निकलेगी, ये लाइट यहाँ जाएगी कहाँ है, एस वन स्लिट है वहाँ से निकलेगी, यहाँ एस टू स्लिट है वहाँ से निकलेगी, लाइट वेव चलेगी। तो इस तरीके से S1 और S2 सेम फेज में हैं, या ये भी हो सकता है अगर बाई चांस गलती से कुछ फेज डिफरेंस हो S1 और S2 के बीच, क्या हो, फेज डिफरेंस, तो उसे टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहना चाहिए। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम, आइदर दे आर इक्वल या वो फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट, तो इसको हम कहते हैं, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलने जा रहे हैं, देन दीज एस वन एस टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहरेंट सोर्सेज। ये लिखा हुआ है, इनको हम क्या कहेंगे, कोहरेंट सोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय कोहरेंट सोर्सेज? कोहरेंट सोर्सेज, टू कोहरेंट सोर्सेज आर दैट सोर्सेज फॉर व्हिच आइदर फेज डिफरेंस इज जीरो और फेज डिफरेंस रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम। टाइम से कैसे कांस्टेंट है, फिर न बदले, जो है वो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम के अनुसार रेस्पेक्ट में उन्हें कांस्टेंट होना चाहिए। तो एस वन एस टू कौन से सोर्सेज हैं, दे आर कोहरेंट सोर्सेज। अब यहाँ से आप बनाएंगे जो ये फुल लाइन होता है, ये क्रेस्ट होता है, डॉटेड लाइन ट्रफ, क्योंकि वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। कैसे बनते हैं वो तो देख लो, मेरे बोर्ड पर देखिए, ये होता है ऐसे, ये हुआ क्रेस्ट और ये हुआ ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे बनता है वेव में, क्रेस्ट और टप, ठीक है, क्रेस्ट और टप। ऐसे दूसरे वेव में भी ऐसे ही, दो सोर्स हैं तो दोनों सोर्स में क्रेस्ट टप ऐसे बनेंगे, ठीक। तो यहां पर ये क्रेस्ट फिर टप फिर क्रेस्ट टप क्रेस्ट ऐसे, और इस सोर्स से भी क्रेस्ट ऑफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट ऐसे बनेंगे। अब आगे देखिए, जब ये एस वन और एस टू सोर्स से लाइट जलती है और जा करके एक स्क्रीन पर पड़ती है, स्क्रीन पर, तो जहाँ जहाँ ये ट्रफ और एक का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट क्रॉस करते हैं, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट क्रॉस करते हैं, एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट क्रॉस करते हैं, वे अपोजिट फेज में मिलते हैं, अपोजिट फेज, और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और स्क्रीन पर यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप बन जाएगी और उस स्ट्रिप को हम लोग कहेंगे फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज विल बी ऑब्टेंड। आगे देखिए, जिन पॉइंट पर
ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट काटते हैं, वहाँ वो पॉइंट स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहाँ वाइट फ्रिंज बनती है। और दूसरी बार नहीं कह पाएंगे ऐसे, मन में समझ जाओ कि यही ऐसे होता है आगे। अब इसके लिए थोड़े आगे कहेंगे, इसके लिए समझ जाओ यही होगा। ठीक, इस तरीके से स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड, इससे बैंड्स बने होते हैं इक्वल विथ के, ब्लैक एंड वाइट बैंड्स आर ऑब्टेंड। दिखाऊं आपको ब्लैक एंड वाइट बैंड्स, ये है ब्लैक एंड वाइट बैंड्स, ऐसे दिखेंगे ये ब्लैक एंड वाइट बैंड्स, दीज आर फ्रिंजेस, ये ब्लैक फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज, वाइट फ्रिंज, वाइट फ्रिंज, वाइट फ्रिंज, और सबकी विथ चाहे वाइट हो चाहे ब्लैक, विथ बराबर हो, इक्वल विथ के, दीज आर कॉल्ड फ्रिंजेस। फ्रिंज विथ कितना है W। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स, और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, यही एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बिकॉज इंटरफेरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन। इंटरफेरेंस वेव मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इंटरफेरेंस लाइट में हो रहा है, तो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, और ये जो दोनों स्लिट्स हैं इनका नाम भी पढ़ लो, स्लिट्स का नाम पढ़िए, ये S1 और S2 स्लिट्स, ये देखिए, ये यहाँ पर S1 S2 S1 S2 आर डबल स्लिट्स, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट है, इसको लोग कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक वो जो हमने बनाया था उसमें भी देखिए, तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। ये क्लियर होगा कि यह क्रेस्ट, ये देखिए यह क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट अगर एक साथ इसी पर आ जाए तो ये क्रेस्ट ऐसे हो जाएगा, और यही क्रेस्ट अगर इसके ट्रफ पर आएगा तो ये कट करके जीरो हो जाएगा, ये ऐसे जीरो हो जाएगा, ये अगर इस पर आएगा जुड़ जाएगा, और यही अगर इस पे आ गया तो कट जाएगा, तो जहाँ कट जाएगा वहाँ डार्क, और जहाँ जुड़ जाएगा वहाँ वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन। तो ये है, हमने S इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, S1 S2 आर टू थिन स्लिट्स, आर कोहरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहरेंट भी जानिए, ऑन द स्क्रीन वेयर क्रेस्ट क्रॉसेज क्रेस्ट एंड ट्रफ क्रॉसेज ट्रफ, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वाइट फ्रिंज विल बी ऑब्टेंड। हम सेंटेंस भी लिख दिए हैं, ढंग से पढ़ोगे तो सब चीज़ें आएंगी। और प्लेसेज वेयर क्रेस्ट क्रॉसेज ट्रफ, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो ब्लैक फ्रिंज विल बी ऑब्टेन। तो इस तरीके से यंग्स एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस फेनोमेना ए कैन बी ऑब्टेंड एक्सपेरिमेंटली। इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंस हुई, क्यों, इससे प्रूव हो गया कि लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में चलती है, हाइजिन के प्रिंसिपल को इसने सपोर्ट कर दिया, कि हाइजिन ने जो बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो वो एक्सपेरिमेंट के इस एक्सपेरिमेंट का की इम्पॉर्टेंस से उनका प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हुआ।